तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सेब की चटनी को किस तरह से दोबारा ठीक किया जा सकता है। मैं अरुणा गुप्ता, अरुणाज किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेब की चटनी को किस तरह से ठीक किया जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। पीछे मैंने एक वीडियो में बताया था कि सेब की चटनी किस तरह से बनाई जाती है, तो मुझे अभी रिक्वेस्ट आई है कि आप प्लीज़ ऐसा बताएं, जैसे कि सेब की चटनी में थोड़ी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाए तो उसको किस तरह से ठीक करें? क्या वो ख़राब हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सेब की चटनी है, जैसे ही उसमें कई बार ऐसा होता है वो पकने से रह जाती है, हल्की सी स्मेल आ जाए तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो जो ये इतनी सेब की चटनी है, हमारी 2 किलो के करीब होगी ये चटनी, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको इसके लिए। वैसे मेरी चटनी जो है बिल्कुल ठीक है ये। इसके लिए हम 1/2 बॉटल जो है सिरका जो है हम डाल देंगे, 1/2 से थोड़ा सा कम भी डालें पर, जैसे फिर ये हमारी साल भर खराब नहीं होगी। तो मैं एक बड़ी सी कढ़ाई में सिरका डाल रही हूँ। अब इसको हम गर्म होना देंगे। सिरका जो है हमारा उबल चुका है, ये मैंने 2 मिनट जो है उबलने दिया है। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 2 टेबल स्पून के अराउंड। ये हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करती है। और साथ ही में नमक डाल देंगे, क्योंकि हम सिरका डाल रहे हैं तो अब नमक भी हमारे को ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि चटनी जैसे मीठी कम है तो थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हो, पर मेरे चटनी में काफ़ी मीठा है तो मैं चीनी नहीं ऐड करूंगी। अब इसमें मैं चटनी ऐड कर दूंगी, इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 1/2 से 1.25 घंटा जो है पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी चटनी खराब होने का रीजन ये भी होता है हमारा सेब थोड़ा कच्चा रह जाता है पकने से। जैसे कई बार तो हमारे पूरे अच्छी तरह से पके होते हैं सेब, तो उनको तो टाइम नहीं लगता है। और कई बार जूस हमारा कम होता है जैसे सेब में, तो वो हमारा जूस जो है सिरका नहीं बन पाता। जैसे जूस उसका जितना ज्यादा होता है तो उतना ज्यादा जो है वो सिरका जैसे बन जाता है, उसका सेब का सिरका बन जाता है। तो उससे हमारी चटनी जो काफी दिनों तक टिकती है, दिनों के साल तक टिकती है। अब 1-2 रीजन होते हैं, पर अगर ऐसा लगे कि स्मेल आ रही है तो इस तरह से हमारी ठीक हो जाती है। अब इसको 1/2-1.5 घंटा हम हिलाते भी रहेंगे और इसी तरह पकाते भी रहेंगे। मैंने पूरे 45 मिनट जो है चटनी को पका लिया। अब देखिए ये इस तरह से हो गया, टेक्सचर इस तरह से हो गया, सिरका जो है इसमें अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो गया। अब ये ठंडी हो चुकी है, मैंने गैस फ्लेम पहले ऑफ कर ली थी। अब इसको हम जार में भर लेंगे। जार को मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है, बिल्कुल सूखा होना चाहिए हमारा जार। अब देखिए जिसकी भी अगर चटनी में स्मेल आती है तो वो इस तरह से कर लें, जैसे हल्की सी आ जाती है जैसे स्मेल, तो एकदम से इस तरह से सिरके में पका लें और ये सालों साल फिर खराब नहीं होती है। तो लीजिए हमारी चटनी फिर से अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।